उत्तर प्रदेश के हाथरस घटना को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि जिले के आला अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह घटना घटित हुई है। यदि जिले के अधिकारी अपनी ड्यूटी सख्ती के साथ करते तो आज एक बेटी के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत ना होती और ना ही उसकी जान जाती। हाथरस को लेकर लोगों के विरोध द्वारा घटना की एक रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद सीएम योगी ने शुक्रवार शाम को एक बड़ा फैसला लेते हुए जिले के एसपी डीएसपी समेत कई पुलिस वालों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नमस्कार, मैं हिना श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। सरकार द्वारा निलंबित इन सभी लोगों के साथ ही आरोपियों और पीड़िता के परिवार का पॉलोग्राफी व नार्को टेस्ट कराने के बारे में फैसला लिया गया है। निलंबित होने वाले अधिकारियों में पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर, तत्काल क्षेत्र अधिकारी राम सब, तत्काल प्रभावी निरीक्षक निधि दिनेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक जगवीर सिंह व हेड मोरियर महेश पाल के नाम शामिल हैं। इन अधिकारियों पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने घटना को लेकर लापरवाही बरती है। आइए जानते हैं नार्को परीक्षण होता क्या है। नार्को परीक्षण का प्रयोग किसी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है या किसी व्यक्ति के मन से सत्य निकलवाने का प्रयोग किया जाता है। आपराधिक मामलों में ही नार्को परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। हाथरस की घटना बीते 3 दिन से सुर्खियों में है। पीड़िता की मौत के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हल्ला बोल है। जिस तरह से सभी विपक्षी दल एकजुट होकर योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उसके बाद सरकार पर इस मामले के कार्यवाही का दबाव बढ़ता जा रहा है। सूत्रों की माने तो सीएम योगी खुद पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। घटना के बाद स्थिति संभालने में नाकाम रहने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही को लेकर शीर्ष स्तर पर मंथन चल रहा है। वहीं सीएम योगी शुक्रवार शाम को खुद एक ट्वीट कर उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुँचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है, इन्हें ऐसा दंड मिलेगा यह हमारा संकल्प है। प्रगति मीडिया की खबरों में बने रहने के लिए प्रगति मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।